माध्यम से आज संभव हो पाया कि शिक्षा के साथ कला का आज वाला जो पहली बार जो प्रदर्शन हो रहा है, और हमारे जो कला गुरु है विनोद जी हमारे यहाँ पास गए और हमसे रिक्वेस्ट किए कि आप हमारे कॉलेज में आकर के बच्चों को स्टूडेंट वाइज के बारे में बताएं और सिखाएं। तो ऐसा मौका हमको मिला जो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ये जो आप लोग स्टूडेंट वाइज देख रहे हैं, ये स्टूडेंट वाइज जो लकड़ी होती है इसकी वो जलाने में लकड़ी होती है, उससे ये ट्वाइज बनता है। हम लोग कीमती लकड़ी यूज नहीं करते हैं, जैसे हम सभ्यता लकड़ी का नाम सुना होगा, लकड़ी का नाम सुना होगा, प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, इसी लकड़ी से पूरा बना हुआ है। और जैसे जैसे इसका डिमांड होता है, जो भी कोई भी मांगता है कि हमको ये चीज चाहिए, हम लोग बना के उनको देते हैं। तो वुडन टॉयज का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग कभी भी इसको अभी खेले नहीं होंगे इस खिलौने से, क्योंकि आप लोग सामने कभी आए नहीं होंगे। आप लोग प्लास्टिक खिलौने ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि ये लकड़ी खिलौना आपके पास कोई तो पहुँचा नहीं होगा। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कलाकार बहुत कम है, इतना माल बनता है सब कुछ दूसरे जगह आता है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, शिक्षा के साथ कला की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई बहुत जरूरी है सर्विस के लिए और बिजनेस के लिए। पढ़ाई करने के बाद में जिसको जो पसंद होता है सर्विस करता है, जिसको जो पसंद है सर बिजनेस करता है। तो उस बिजनेस के साथ साथ में अगर आपको पढ़ाई के साथ में कोई कला भी सीख लेता है, तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक अपने कला के माध्यम से इसको बना बना के अपना जीवन पालन कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छी मेहनत कर दी तो इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आपको देश से विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। हम इसी कला के माध्यम से 2015 में हमको नेशनल अवार्ड मिला और 2019 में मैं 10 दिन ले जाना गया भारत सरकार द्वारा। ये जैसे आपको प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही प्रदर्शन करने का मौका मिला आपको। पूरा खर्चा सरकार उठा दिया आपकी, जैसे अभी नौ दिन जाने की पढ़ाई चल रही है आपको, तो पूरा खर्चा सरकार उठा रही है कि आप अच्छे से पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और शिक्षक का नाम भी रोशन करें, इस विद्यालय से अपने बच्चे पास आउट होकर आएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में इस कला को अच्छा लगे, ये चीज़ सीखें, अपने कला के साथ में पढ़ाई के साथ में तो जुड़ें। और आप ये क्या है कि एक ऐसा कला है कि आपको कभी भी वो निराश नहीं करेगा पैसे के लिए। आप जो भी बनाएंगे तुरंत बिक जाएगा, देने के बाद में आपको जीरो मार्जिन होगा। तो मेहनत आपको करना है, जैसे आप पढ़ाई के साथ मेहनत करते हैं इसको भी सीखने के लिए आप कार्यरत रहें। और सीखने के बाद में इनका अगर मान लीजिए कि 6 महीने के प्रोजेक्ट है या 1 साल का प्रोजेक्ट है खत्म जाता है, इसके बाद में तो आप इसको कर सकते हैं। आपको मशीनें मिल जाएंगी सरकार के द्वारा से, आप अपने मशीन से बना करके अपना पैसा निकाल सकते हैं और देश दुनिया में बेच सकते हैं। आप लोग के सामने सब पूरा प्रोडक्ट लगा हुआ है, इसी को किसी के बारे में पूछना है। जो भी चीज़ इधर पेंटिंग हुई है वो पेंटिंग आपको मालूम है फेवरेट कलर से हुआ है, कोई विशेष पेंटिंग इसमें नहीं हुआ है। तो पेंटिंग का लोग करते हैं फेवरेट कलर से पूरा हुआ है, कौन सा टेक्निक होता है कि पहले कौन सा कलर लगाए और कौन सा कलर इसको ऑपरेट करें, कुछ इसके बारे में पूछना अगर आपको समझना है तो उसे आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।